गाइस वेलकम बैक केएल चल आई होप अच्छे होंगे। तो भाई अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा कर लीजिए, अगर आप चैनल पर नहीं तो मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके फैमिली का मेंबर बन जाइए। लास्ट एपिसोड में हम लोग बहुत सारी बाइक्स लेकर गए थे भाई, पूरी 10 बाइक्स थी। वो किस लिए? क्योंकि माइकल को भाई कुछ बंदों का लोन देना था, बंदों ने बोला अगर लोन नहीं दे तो हमें बाइक दे नहीं तो फिर शोरूम पे कब्जा कर लेंगे वगैरह वगैरह बहुत कुछ उन बंदों ने बोला। बट फिलहाल फिर मैं बाइक्स को लेकर गया भाई, वो बहुत ही रेयर और अमेजिंग बाइक थी। उनका जो गोल्ड यूज करके रखा है वो जल्दी से नहीं मिलता, तो मैंने उनको रख लिया और उन बंदों का भी एंड कर दिया है। तो फिलहाल कल अच्छे अच्छे काम हुए सारे, कोई ज़्यादा बड़े प्रॉब्लम वाली बात नहीं हुई। फिर बिग माफे से मिला था, बट यार वो अभी तक बहुत ज़्यादा नाराज होकर के रखा है। देखते जैसे भी होगा, आपको बताइए गॉड फादर वो बंदा जिंदा है, वो कल हमें पता लग गया था। तो उसके बारे में सारी बातें पता करनी है कि वो अभी क्या कर रहा है, हर एक चीज़ सब कुछ। क्योंकि अभी मेरे को लेस्टर ने फ़ोन करके बुलाया भाई, मुझे लगता है ज़रूर उसके बारे में अभी हमें कुछ पता चला है। तो मेरे प्यारे भाई कौन आने वाला है? ओके भाई, तो आज ना रॉकी आने वाला है। चल रॉकी, और वैसे भी आज रॉकी की बारी है। वैसे दोनों भाई बड़े चालाक है, अपनी बारी के लिए समझ जाते हैं कि आज मैं घूमूंगा आज तो घूमूंगा, तो उसी हिसाब से मेरे आगे खड़े रहते हैं। तो आज रॉकी की बारी थी तो डॉगी साइड में था ऑटोमेटिक ही। तो फिलहाल यार कपड़े काश इनके जल्दी पहना दूंगा, जल्दी ट्रेवर की शादी करने वाले है बस, क्योंकि मेरे को पूरा यकीन हो चुका है जल्दी ही लूसीफर का काम तमाम होने वाला है। आपको याद है मैंने उसको बेबी को दे दिया है, बट बेबी के पास कैमरा है और माइक है, तो देखते अभी क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है भाई। अभी कोई ज़्यादा कुछ बात पता चली नहीं है, मुझे ऐसा लगता है बेबी को उसने किसी रूम में बंद करके रखा हुआ है जिसमें कोई नहीं है, सिर्फ वो अकेला ही है, तो इसलिए अभी तक कोई बात करने की ज़्यादा आवाज़ आ नहीं रही है। बेबी चुपचाप बेचारा आराम से बैठा हुआ है पूरे के रूम में, अभी उसकी मजबूरी है यार, पता नहीं देखते जैसे भी होगा अभी सब कुछ सही होने वाला है। तो रॉकी बेटे भाग ले आज तेरे को मैं यहीं पे घुमा देता हूँ, पूरा लंबा घुमाने की जरूरत नहीं है। देखो डॉगी कैसे घूमने लग रहा है, अबे क्या हो गया नमूने। अभी यार दो दो रस्सी लेकर के आनी पड़ेगी ताकि दोनों को एक साथ भगा सकूँ। एक साथ भागेंगे फिर देखते हैं इनमें से कौन तेज़ है, रॉकी या डॉगी, दोनों में से कोई ना कोई तेज़ तो होगा, या फिर दोनों ही भाई बराबर हो सकते हैं। भरोसा किसी का नहीं है, ये दोनों बहुत चालाक है और बहुत ही खतरनाक है। तो चल मेरे प्यार पर रॉकी भाई काफ़ी घूम लिए, जल्दी निकलता हूँ भाई, लेट नहीं करेंगे। लेस्टर मेरा इंतजार कर रहा है फैक्ट्री पर ही, देखते हैं क्या उसको पता चला। तो ठीक है दोनों को बाय, रॉकी भाई बाय और डॉगी कहाँ रह गया? ओके डॉगी तेरे को भी बाय। डॉगी रॉकी को मैंने आराम से समझा दिया है, दोनों के दोनों घर पर पहुंच चुके हैं भाई, खाना खाएंगे। इनका एक खाना खाने का टाइम होता है दोनों का डेली, तो फिलहाल ये अंदर पहुंच चुके हैं। मेरा प्यारा शेफ इनको आराम से खाना खिलाएगा और फिर खेल के थोड़ा बहुत ही सो जाएंगे। जब भी मैं घर पर आता हूँ मुझे तो सोकर ही मिलते हैं आराम से। अरे मेरी प्यारी गाड़ी, आज फिर मैंने सोचा जेम्स बॉन्ड वाली गाड़ी निकाल लेते हैं, क्या पता कितने बंदों का नेता बनाना पड़ जाए। चल भाई जल्दी ड्राइवर पहुंचा दे। फिलहाल इसकी स्लिप करने की जो प्रॉब्लम है ना वो मेरे को थोड़ी सही करवानी पड़ेगी, क्योंकि भाई कुछ ज़्यादा स्लिप करने लग गई है। पहले थोड़ी कम थी अब बहुत ज़्यादा करने लग गई, आपको पता है टाइम के साथ साथ टायर घिसते जा रहे हैं इसके, तो मुझे लगता है टायर रिप्लेस करने पड़ेंगे। भाई मैं पहुंच गया हूँ जगह पर, चल ड्राइवर ब्रो फटाफट से ऊपर की तरफ निकल, तो देखते हैं लेसर क्या बोलने वाला है। आ जा भाई आ जा। तो भाई ये सूट वही है जो मैंने सेलेक्ट किया था, वैसे ऑफ वाइट है, बट देखते हैं अगर वाइट प्योर नहीं मिला ना तो मैं पुराना सूट ही पहनूंगा वही ब्लैक वाला, उसमें अमेजिंग लगता है। ड्राइवर हेलो आंटी हो क्या हाल चाल? लेसर से बातें हो चुकी है, मेरा आइडिया बिल्कुल ठीक निकला और लेसर का भी। ये गॉड फादर चैन से नहीं बैठ रहा, कुछ ना कुछ करता फिर रहा है। गॉड फादर को देखा गया भाई कुछ जगहों पर, अभी ये कन्फर्म नहीं है वो असली बंदा है नकली बंदा, बट उसको देखा गया है तो मुझे लगता है असली ही होगा। लेसर के हिसाब से वो बंदा प्लानिंग कर रहा है, किस चीज़ से कर रहा है कोई पक्का भरोसा नहीं है, हमें लगता है कि वो हमारे लिए प्लानिंग कर रहा है बहुत ज़्यादा। और कमाल की बात क्या है ना, लेस्टर ने देखा जोकर गैंग उसके साथ में है, तो इसका मतलब जोकर गैंग दुश्मन को सपोर्ट कर रही है। अभी जाता हूँ मिलने के लिए, ठीक है लेस्टर कुछ और पता चले तो मेरे को बता देना, देखते हैं उसको। तो फिलहाल लूसीफर ने अभी तक मेरे को फ़ोन नहीं करा कुछ और काम के लिए, जब वो कुछ करेगा तो उसको बाद में देख लेंगे, फिलहाल ये काम ज़रूरी है, गॉड फादर का एंड करना है बहुत ज़रूरी है। ये नमूना दो बार मारा मैंने तब भी नहीं मारा, बड़ा ढीठ बंदा है, मतलब जाने का नाम ले रहा बिल्कुल भी कि ड्राइवर कुछ भी कर ले मैं नहीं जाने वाला, अब की बार तो पहुंचा के रहूंगा मैं भी इसको, चाहे कुछ भी कर ले अब की बार, कितनी प्लानिंग कर ले अब की बार नहीं बचेगा। मैं पहुंच गया हूँ जोकर वाली गैंग के पास में, तो फिलहाल ये रहे मेरे प्यारे जोकर वाले बंदे, बहुत बढ़िया। हेलो भाइयो क्या हाल चाल? अगर देखो पंगा तुम लोगों के लिए तो बहुत मारूंगा, फिलहाल मैं सिर्फ बातें करने के लिए आया हूँ, तो इसलिए जरा मेरी बातें सुनिए। तो देखते हैं भाई बंदों ने सच में ही कुछ किया है नहीं किया, फिर लेस्टर की आंखों का धोखा है। आपको पता है कैमरा में कभी कभी चीज़ें उल्टी सीधी आ जाती है, बंदे बेवकूफ़ बना जाते हैं, तो इससे पता कर लेता हूँ। हेलो भाई बता जल्दी से, गॉड फादर के साथ मैंने तुम लोगों को देखा है, अलर्ट खड़ा है काफ़ी, हाथ में पिस्टल है इसके, लगता है फ्रॉड बंदा है, अगर हमला करेगा पता चल जाएगा। बताओ भाई जी गॉड फादर के साथ काम करते हो या अकेले काम करते हो? बंदे से इन्फॉर्मेशन नहीं लिया, बोल रहा है कि ट्रेवर हम किसी के लिए काम नहीं करते, आपको गलत फहमी हुई है, हम अपने साथ ही काम करते हैं, मतलब अपनी गैंग के लिए काम करते हैं, किसी बंदे के नीचे काम नहीं करते, मतलब कोई बॉस इनका नहीं है, ये आपस में एक दूसरे के ही बॉस मान के आप चल सकते हो, बस इनका एक लीडर है जो कि जोकर वाला बंदा ही है, ये उसके लिए काम करते हैं, उसके सारे इंस्ट्रक्शन मानते हैं। तो ठीक है भाई चलिए निकल जाता हूँ, फिलहाल इन्होंने ये बात बोली है, अगर मुझे लगता है इनकी बात झूठ निकली तो बहुत बुरा होने वाला है। मैं इसको ज़्यादा टाइम यही बोल दिया कि भाई झूठ नहीं होनी चाहिए आप लोगों की बात, नहीं तो फिर ड्राइवर छोड़ने वाला नहीं है। ये बोल रहा है ड्राइवर भाई टेंशन की बात नहीं, हम झूठ नहीं बोलते। तो ठीक है भाई चलिए निकलते हैं, देखते हैं बंदे कितने सच्चे हैं। लेस्टर का फोन आया भाई, डेविल मिल गया, वो वाला डेविल आपको याद है? देखो एक तो बम से उड़ा दिया गया था और दूसरा डेविल घूम रहा था यहाँ वहाँ उल्टे सीधे काम कर रहा था, वो मेरे खिलाफ भी कुछ उल्टे सीधे काम कर रहा है।
फिलहाल चलिए तो उसका नेता बनाने का वक्त आ चुका है। वो आपको पता है वो भी नकली है, जो असली डेविल है ना वो जरूर गॉडफादर के साथ है, या तो देखो उसके साथ मिल गया है या फिर गॉडफादर ने उसको मतलब कि बंद करके रखा हुआ है किसी जगह पे, वो तो बाद में पता करेंगे। फिलहाल चलिए चलता हूँ मैं जल्दी से, एक जगह पार्टी होने में लग रही है, वहीं पर है बंदा। यही वो बंगला है, मतलब कि यही वो घर है जहाँ पर बंदा मुझे मिलने वाला। ट्रेवर अंदर की तरफ जल्दी से निकल। फिलहाल देखो वॉच को यूज़ कर लेते हैं, और वॉच को यूज़ करके अंदर की तरफ जाएंगे वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये है घर, और फिलहाल देखो ये घर अभी लेस्टर का नहीं है, ये घर मुझे देखते याद आ गया। इन फ्यूचर में मैं इस घर को लेस्टर को दूंगा ताकि वो अपनी वाइफ को गिफ्ट कर सके कैटरीना को, क्योंकि ये घर उसको काफ़ी पसंद आता है और बंदा बेचने से मना कर देता है। तो मैं यहाँ पर आकर के बंदों को सीधा कर करके घर को ज़बरदस्ती कब्जा कर लेता हूँ। तो ये वही वाला घर है, तो फिलहाल आज की डेट में इससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है। ओके भाई मैं अंदर की तरफ पहुँच चुका हूँ, और घर में आज की बार तो डॉगी भी है भाई, और ये डॉगी है रिट्रीवर। अबे कैसे देख रहा है मुझे भाई, मुझे लगता है डॉगीज जो है ना ये वॉच में हमें देख लेते हैं, जो हमने वॉच यूज़ करके रखी है शायद से इंसान नहीं देख पाते बट इसने देख लिया। अब बोलूँ मेरे डॉगी और रॉकी नमूने मुझे कैसे देख लेते हैं, मैं सोचता हूँ उनकी सूंघने की पावर काफ़ी अच्छी, तभी मेरे को पता कर लेते हैं कहाँ मैं घूम रहा हूँ वॉच को यूज़ करके। वो मेरे को देख सकते हैं भाई, क्योंकि इस रिट्रीवर ने साफ साफ मेरे को देखा, घूर के देख रहा था और मैं गायब होकर रखा हूँ, इसका मतलब ये मुझे देख सकता है। बहुत बढ़िया, तो आज तक मेरे को बेवकूफ़ बना रहे थे दोनों के दोनों कि ट्रेवर तो हमें दिखाई नहीं दे रहा। बहुत सही, उनको तो बाद में सीधा करूंगा, देख रहे हो कितने चालाक है, मतलब मेरे को बोलते कि दिखाई नहीं दे रहा और देख देख के मजे लेते थे। तो इसका मतलब वॉच ना सिर्फ इंसानों के ऊपर काम करती है, ना कि जानवरों के ऊपर, इसका मतलब एनिमल्स मुझे देख सकते हैं। ये आज ही पता चला मुझे, ये शायद देखो मेरा आइडिया है, मैं पक्का नहीं बोलूंगा बट इसके देखने के हिसाब से मुझे ऐसा लगा। तो फिलहाल चलिए भाई इनको बाद में देखते हैं। टेबल तो यहाँ पर है नहीं, यहाँ पे कुछ बंदे हैं उसके गेस्ट है शायद से भाई, जो कोई भी हो लगता है बंदे ने पार्टी दे के रखे घर में। काफ़ी बंदे यहाँ पे मज़े लेने में लगे हुए, एक चाचा यहाँ पे सुट्टे मार रहा है, मतलब कि बीड़ी पीने में लगा हुआ है, और कोई है क्या चेक कर लेता हूँ भाई, देखते हैं आगे पीछे और कोई है नहीं है। मुझे लगता है बंदा है ही नहीं घर पर, और ये फ्री में मेरे को भेजा लेस्टर ने, बोल रहा था वो बंदा घर पर ही है वगैरह वगैरह, यहाँ पे तो कद्दू भी नहीं है भाई। तो चलिए एक काम करता हूँ, थोड़ा आगे पीछे देख लेता हूँ, घर के अंदर देख लेता हूँ। हेलो बेटे रिट्रीवर, ये मुझे घूरने में लग रहा है भाई, अमेजिंग लेवल है। अबे गर्दन मत घुमा लट्टू की तरह। डेविल घर के अंदर ही था, जब मैं घर के अंदर गया मैंने चेक किया तो भाई अंदर ना काफी गार्ड्स थे, तो मैंने सोचा क्यों ना अभी थोड़ा वेट कर लेते हैं और इसको मैं बड़ी शांति में मारने वाला हूँ, मतलब आराम से जब निकलेगा अपने घर से कभी ना कभी तो बाहर निकलेगा। तो बंदा भाई फाइनली 10 मिनट के बाद बाहर निकला, इसको किसी का फोन आया और ये जाने लग गया, तो मैं अभी इसको सीधा करने वाला हूँ। तो बड़ी स्पीड से बंदा जाने लग रहा है बट कोई टेंशन की बात नहीं है, इसकी गाड़ी में मैंने ट्रैकर लगा के रखा है, अगर ये मिस भी हो गया ना तब भी मैं इसको पकड़ लूंगा बड़ी आराम से। भाई साहब बहुत ही ज्यादा जल्दी में है गंजू लाल, आप देख रहे हो भागने में लग रहा है। अबे रुक तो सही, तो इसको तो बड़े प्यार से रोकना पड़ेगा। वैसे जेम्स हॉट वाली गाड़ी ना किसी को फॉलो करने में काम नहीं आती, मैंने एक बात देखी है, क्योंकि बंदा देखो कितनी स्पीड में जा रहा है, उसकी गाड़ी स्लिप नहीं कर रही, बट अपनी गाड़ी इतनी ज्यादा स्लिप करेगी बहुत बुरा काम हो जाएगा। यार ये तो बंदा सच्ची में बड़ी घटिया ड्राइविंग कर रहा है, ये देख रहे हो जैसे मैंने सब कुछ कह दिया। अबे मैंने तो कुछ कहा भी नहीं है, भागने की कोशिश करी ना डेविल तो गड़बड़ हो जाएगा, लगता है गाड़ी खराब हो गई, पेट्रोल खत्म हो गया, जो कुछ भी होगा मुझे नहीं पता। चुपचाप गाड़ी से बाहर उतर और मेरे साथ आ, जय सभी है। अच्छा वो यहाँ पे आकर रुक गया डेविल भैया, नहीं तो गोली इतनी मार दूंगा एक छेद कर दूंगा सर में, मैं नहीं चाहता ऐसा हो तेरे साथ। चुपचाप गाड़ी से बाहर आ, मेरी गाड़ी में बैठ और तेरे को लेकर के चलता हूँ गैरेज में। मानेगा भाई मानेगा, बंदा रुक के रखा है, इसका मतलब अभी कोई चीटिंग नहीं करेगा। मैं डेविल को गैरेज में लेकर के आ चुका, मैंने उसको काफी पीटा बट भाई ये काफी ढीठ बंदा है, कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं हो रहा, तो मैंने इसको काफी पीट तरा बट तब भी नहीं बोला। फिर मैंने फाइनली एक काम किया, आपको पता है जब बंदा ज्यादा नहीं बोलता ना, देखो अब इसको नहीं मारेंगे, मानता भी असली नहीं है बट ये कुछ क्या पता बात हमें जरूरी बता दे इन फ्यूचर, अभी नहीं बता रहा क्या पता आगे बता दे भूखा प्यासा रहने के बाद में। बट मैंने फिर इसका फोन निकाला, इसके फोन में गॉडफादर की चीजें हैं और डिटेल्स हैं। गॉडफादर अभी आधे घंटे के बाद में ना एक जगह पे जाएगा एक डील करने के लिए, ऐसा इसके फोन में लिखा हुआ है मेल्स में। तो फिलहाल लेट बिल्कुल नहीं करते, ऑलरेडी जा करके वेट करता हूँ, देखते बंदे कहाँ मीटिंग होने वाले। शाबाश, मीटिंग का नाम सुनते ही नाखों से इसके भाई क्या बोलूँ मैं। तो फिलहाल चलते हैं, वही काम करते हैं, इसके फोन ने काफी इन्फॉर्मेशन दी, इसने तो कुछ नहीं बोला। तो गंजू लाल फोन नहीं रखना चाहिए था पास में, जब तुम्हें पता है कि ड्राइवर आ रहा है पीछा कर रहा है फोन फेंक देता तो ये काम तो नहीं होता ना। तो चलिए जल्दी से निकलते हैं मीटिंग की जगह पे, तो देखते हैं वो असली गॉडफादर आएगा या नकली आएगा, वो तो बाद में पता चलेगा, मैं पक्का नहीं बोल पाऊंगा। मैं पहुंच गया हूँ भाई जगह पर, ये वही पार्किंग है, तो फिलहाल आराम आराम से ऊपर की तरफ निकलता हूँ। जब मेरे को बंदे दिखाई देना शुरू हो जाएंगे ना तो मैं अपनी वॉच को फिर बाद में यूज़ कर लूँगा। ड्राइवर आराम से चलता चला। तो बंदे बड़े चालाक होते हैं, आपको तो पार्किंग एक सुनसान एरिया टाइप ही मान लो, आप यहाँ पे आराम से डील हो सकती है। तो बंदे पार्किंग को सेलेक्ट करते हैं हमारे लॉस सैंटोस में मीटिंग करने के लिए, क्योंकि बाकी और जगह पुलिस आ जाएगी, ज्यादा उल्टे सीधे काम हो सकते हैं। पार्किंग ऐसी ऐसी जगह है मतलब रश का तो होने का टाइम ही नहीं है, बंदा आएगा बंदा कार खड़ी करके चला जाएगा, बस पार्किंग का यही काम होता है। यहाँ पे कोई पुलिस वाले तो होते ही नहीं है, दो चार सिक्योरिटी के बंदे होते हैं, उनको पैसा खिलाओ और मीटिंग कर लो बड़े आराम से। तो फिलहाल आप जैसे देख रहे होंगे गाड़ी मैंने यहीं पे खड़ी कर दी, क्योंकि सामने बंदे हैं, अभी ऐसे ही मैं अंदर की तरफ जाने वाला हूँ। हेलो भाइयों कैसे हो, ऐसे ही खड़े रहो बस, परेशानी मत दे रहा। तो देखते हैं कितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन थी उस बंदे के फोन में। लगभग आधा घंटा हो चुका है, मैं आते आते मेरे को टाइम लग गया,
तो बंदे काफी है, बहुत बढ़िया, बस गॉडफादर मेरे को दिख जाए। और लो भाई, बंदे के फोन में इंफॉर्मेशन सही थी, डेविल टकलू ने अपना काम कर दिया, गॉडफादर यहाँ पर है, कुछ तो काम चल रहा है। तो फिलहाल यहाँ पे काफी बंदे हैं, इसके साथ भी ऐसे ही करेंगे, इसको यहाँ पर अटैक नहीं करते, यहाँ पे किडनैप नहीं करते, नहीं तो बहुत बंदे आएंगे, ये मेरे को मारेंगे, फिर बाकी और बंदे भी आएंगे कि बॉस को किडनैप कर लिया वगैरह वगैरह। इसलिए जब ये अकेला यहाँ से निकलेगा या फिर किसी बंदे के साथ निकलेगा, यहाँ से मीटिंग खत्म करने के बाद तो जाएगा ही ना, तब मैं इसको फॉलो करूंगा और तब इसको पकड़ेंगे बड़े ही आराम से। भाई गॉड फादर भैया पार्किंग से निकल चुके हैं, अभी जल्दी से चलिए, आराम से इनका नेता बनाने का टाइम आ चुका है। ट्रेवर ब्रो फटाफट से कोई अच्छी सी गन सेलेक्ट कर ले, क्योंकि भाई टायर पंचर करना पड़ेगा। ये बंदा भी काफी तेज भगा रहा है अपने गंजू लाल की तरफ, पता नहीं भाई ये बिल्कुल भी ट्रैफिक रूल फॉलो ही नहीं करते। ट्रेन आ रही है, अरे रे रे, अगर ये क्रॉस करने वाला होता तो फिर रुक जाता, बट ये ट्रेन तो बड़ी स्पीड से निकल गई। आज ट्रेन की जरूरत थी तो आज ट्रेन ने कुछ काम नहीं किया, ये हमारे शहर की ट्रेन बड़ी बदमाश है भाई, देख रहे हो, मतलब जब भी मेरे को जरूरत पड़ती है कुछ काम करती नहीं है। इसके टायर ब्लड प्रूफ है क्या? मैंने गोली तो मारी है पीछे वाले टायर में, बट लगता है शायद से टायर फटा नहीं है। कोई बात नहीं, भाई फट गया, आगे वाले हमारी, आगे वाले फट चुका है, और गॉड फादर की गाड़ी का बैलेंस का नेता बन गया। अरे भाई कहाँ जा रहा है, बाला वाले सपोर्ट लेने जा रहा है क्या? ग्रोव स्ट्रीट में घुस गया बदमाश गॉड फादर। अरे भाई चलो जा रहा है, चलो जा रहा है, कहते मौत कटर भाई, पट ये बंदा यार ट्रेवर की जेब थोड़ा लिखा, बट भाई फिलहाल फाइनली आकर के ये भी रुक गया, रुक जा रुक जा, आगे जाने नहीं दूंगा। गॉड फादर ब्रो प्लीज गाड़ी को रोक ले, मैं चाहता नहीं देख मैं गोली मारूं, नहीं फिर फ्री में तो डैमेज हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है, इसलिए गाड़ी डैमेज हो गई है, रुक जा। रुक नहीं रहा भाई, इतनी मुर्गा बोलते हैं इस बंदे को, फिलहाल ये ले बेटे एक और टायर ले, और आगे वाला भी खत्म। तो मैंने चारों टायर इसके फिलहाल ब्लास्ट कर दिए हैं, अभी मैं नहीं चाहता मैं इसके टंकी ब्लास्ट कर दूं, बट देख लो जिद लगी है बंदे को, भागे जा रहा है, रुक जा रुक जा रुक जा, नहीं तो बहुत मारूंगा, रुक जा, कहाँ लेके जाएगा इस खटारा को। गॉड फादर गाड़ी से बाहर आ जा, नहीं तो गोली मार दूंगा। भाई अभी भी देख रहे हो कितनी अकड़ है बंदे में, अभी भी पूरी जिद करे जा रहा है कि मैं भाग जाऊंगा, मैं भाग जाऊंगा, ऐसे कहते भाग देगा, ट्रेवर भागने नहीं देगा ब्रो, रुक जा गॉड फादर, मान जा भाई साहब, देख रहे हो मौत इसको बोलते हैं कि भाई अपनी गाड़ी खटारा पे, गाड़ी अच्छी लेकर के आता चुपचाप आ जा बाहर, नहीं तो सच बता रहा हूँ तेरी गाड़ी को पूरा एंड कर दूंगा। गॉड फादर पंगा मत ले, पंगा मत ले भाई साहब, ये पिटेगा, ये इतना पिटेगा इसने सोचा नहीं होगा, चुपचाप गाड़ी से बाहर आ गॉड फादर। वाओ भाई वाओ, देख रहे हो मतलब अभी भी देख रहे हो, ये गोली खा के मानेगा, ये गोली खा के मानेगा, एक गोली मारी देते बॉडी पे। अरे भाई भाई इसके साथ में, अबे नमूने में इसका सपोर्टर है क्या? सपोर्टर था क्या कोई इसका? ओ भाई देख रहे हो गॉड फादर कितना चालाक बंदा है, मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ा के भाग गया। गॉड फादर ब्रो बहुत बहुत ज्यादा मारूंगा ये, यूज ही बिना मैं जानबूझ के इसको गोली नहीं मार रहा, नहीं तो एक सेकंड में बंदे को सीधा कर सकता हूँ, मतलब कि आपको पता है हेडशॉट मारे काम खत्म हो जाएगा, बट इसको मारना नहीं है मुझे। अमेजिंग लेवल है, ये कौन था नमूना जो बीच में आया फ्री में, इसने मेरा ध्यान भटकाया और मैंने इसको मारना चाहा और वो बंदा मेरे ऊपर से गाड़ी चढ़ा के लेकर के चला गया। अमेजिंग लेवल का स्वैग चल रहा है। मेरे पास अब भी फोन आया है भाई लेस्टर का, मैं गॉड फादर को मतलब ढूंढ ही रहा था, पता नहीं नमूना कौन सी गली से निकल गया, उसको तो ढूंढ ही लेंगे। मैंने फोन कर दिया लेस्टर को, क्योंकि जल्दी से मेरे आसपास के कैमरास को चेक कर, जहाँ पे घूम रहा हूँ गॉड फादर यहीं कहीं पे होगा, गाड़ी खत्म पड़ी है, ज़्यादा दूर तक जा नहीं पाएगा। मैं जाता हूँ माइकल के घर पर, क्योंकि गड़बड़ हो गई, चलते चलते बता दो जल्दी से। मैं आ गया हूँ भाई अपने माइकल के घर पर, तो मैं आपको बताता हूँ क्या दिक्कत हो गई। माइकल के फोन से फिर से आज सेम ऐसे सिग्नल आया जैसे कल आया था, मतलब कि इमरजेंसी मैसेज आया, वही जो बटन प्रेस करके कल वो बंद के रखा था तब उसने भेजा था, आज भी आया कल भी आया, वजह समझ नहीं आ रही। ट्रेवर ब्रो घर में चेक कर, और घर से आया मैसेज, घर से इमरजेंसी मैसेज क्यों करेगा, कुछ तो गड़बड़ चल रही है ना, घर निकाल ले बढ़िया सी। हेलो मेरे प्यारे माइकल ब्रो, घर पर है क्या? एमेंडा है घर पर, ट्रेसी जी है, और भाई जी मी आटे का थैला, फिलहाल ये तो मुझसे नाराज चल रहा है, मैंने से कल गाड़ी तोड़ दी थी बेचारे की। हेलो एमेंडा जी क्या हाल चाल है, अगर ए निकाल दो तो बड़ा अजीब नाम हो जाएगा इसका। हेलो एमेंडा, मेरे को जरा बात पता करनी है, माइकल कहाँ पर है? अरे ठीक है बेटे, ठीक है ठीक है ठीक है, इट्स यू अंकल टी। ये अमेजिंग लेवल का कैरेक्टर है, देख रहे हो मैंने गाड़ी तोड़ी पर फिर भी प्यार से बात कर रहा है, पता है ना ट्रेवर से बहस करेगा तो ट्रेवर इसको भी तोड़ सकता है। एमेंडा जरा मेरी बात सुनो, मैंने एमेंडा से मतलब तीनों से पता कर लिया सारी सारी बातें, फिलहाल ये तो आराम से, इनको पता भी नहीं है भाई, ये तो बोल रहे माइकल थोड़ी देर पहले घर से बाहर निकला था, उसके बाद इनको नहीं पता, ये तो आराम से बैठ करके यहाँ पे खाने का इंतजार कर रहे हैं, जो इनकी मैडम मेड है वो आराम से खाना बनाएगी तब ये खाएंगे, अलग ही लेवल का स्वैग है, जब तक खाना पेट पर नहीं उतरेगा। तो पॉइंट अभी ये है, मेरे को भाई पता करना पड़ेगा माइकल नमूने ना घर पर है और घर से सिग्नल आया है। भाई बेडरूम में बैठा तो नहीं, बाथरूम में कभी भाई कुछ गड़बड़ हो गई, बाथरूम में गिर गया हो, बट इसने बोला घर से बाहर निकल गया, तो मैं फिर भी एक बार चेक कर लेता हूँ इसे रूम में भी। माइकल ब्रो ऊपर है क्या? पूरा घर चेक कर लिया, माइकल घर पर नहीं है, मेरे को चेक करवाना पड़ेगा। लेस्टर भाई चेक कर, उसके फोन की लोकेशन यहाँ पर आई है इमरजेंसी मैसेज की, बट वो घर पर नहीं है। हम तो एक के चक्कर में परेशान हो रहे थे, दूसरे के साथ भी लगता है सेम ही काम हो गया। फ्रैंकलिन के फोन से भी सेम मैसेज आया भाई, अब फ्रैंकलिन को किसने उठा लिया, उसके घर से आया सेम उसका सिग्नल भी, तो मेरे को उसके घर पे जाकर चेक करना पड़ेगा। लेस्टर बोल रहा है भाई ये हो क्या रहा है, हमारे दोनों दोस्तों के साथ में दोनों का सेम इमरजेंसी मैसेज आया अपने अपने घर से,
और अभी देखते हैं, माइकल तो मिला नहीं है घर पे, अब फ्रैंकलिन तो होना चाहिए भाई, काश वो तो हो जाए, अब वो भी नहीं हुआ तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, जल्दी निकल। इस सभी चीज के पीछे गॉडफादर तो नहीं है, क्योंकि आपको पता है गॉडफादर बहुत बड़ी प्लानिंग बना रहा था लेसन, जब मेरे को फैक्ट्री पर बुलाया था, तो क्या होता है वही इस चीज की प्लानिंग कर रहा हो। मैं फ्रैंकलिन भैया घर पर पहुंचूंगा, चल मेरी गाड़ी यहीं पे खड़ी हो जाए। फ्रैंकलिन घर पर है क्या भाई? चलिए जल्दी से निकल जाता हूँ नीचे की तरफ से। हेलो फ्रैंकलिन कहाँ पर है बता नहीं भाई, है भी है नहीं भी चेक कर, चोप यहाँ पर है तो पता चल जाएगा। ओके भाई चोप घर पर ही है, चोप घर पर, इसका मतलब फ्रैंकलिन घर पर हो सकता है, क्योंकि चोप जब जाता है तो बाहर जाता है। अरे चोप भी बैठे, अरे अरे जीप भी ला करके सोने में लगा हुआ है, सोने तो मैं थोड़ी डिस्टर्ब नहीं करता बिल्कुल भी, बट देख रहे हो डॉगी कितना सुस्त है, घर पे कोई बंदा घुस गया और इसको पता भी नहीं है सोने में लग रहा है, ये तो घर पे चोरी करवा देगा। अबे नमूने कोई आता है घर पे तो उठा तो कर, भोंका तो कर, मानता हूँ ट्रेवर ही है घर का बंदा है तो उठना तो चाहिए था ना, पहले के पड़ा हुआ तो फिलहाल नीचे तो नहीं है फ्रैंकलिन, ऊपर भी चेक कर लेता हूँ भाई, लगता है इसके घर पर भी नहीं है, गड़बड़ हो गई। बट अच्छी बात क्या है, चोप किडनैप नहीं हुआ, इसका मतलब बंदे चोप को नहीं लेके गए, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ फ्रैंकलिन को लेकर के चले गए, अगर किसी ने किडनैप किया होगा तो मेरे आइडिया से। पूरा घर खाली है भाई, पूरा घर खाली है, बाहर निकलता हूँ, लेस्टर को बोलता हूँ जल्दी से दोस्तों को पता कर, कुछ गड़बड़ चल रही है इनके साथ में, मेरे को जल्दी बता दे भाई, कभी कुछ हम उल्टा सीधा काम हो जाए। लेस्टर से बातें हो चुकी है, लेस्टर मेरे को बोल रहा है ट्रेवर दोनों कुछ पता नहीं चल पा रहा, मैं पता कर रहा हूँ, बट सबसे पहले तो जाकर के देख गॉडफादर की एक जगह पे, क्योंकि गॉडफादर की उस जगह पे ना ट्रेवर कुछ गड़बड़ चल रही है। तो भाई गड़बड़ ये चल रही है, मैं आपको दिखाता हूँ जगह पे जाकर के। लेस्टर के हिसाब से लेस्टर ने बोला वहाँ पे बहुत सारे ट्रक्स है, और ट्रक्स में कुछ माल इम्पोर्ट करवाया है शिप से गॉडफादर ने। अब सीधी सी बात है वो मेरे लिए कराया होगा, उसमें वेपन्स होंगे, कुछ अलग चीज़ें होगी, ये तो पक्का नहीं बोलूंगा, बट ट्रक्स है बहुत सारे, तो जा करके देखते हैं भाई आखिर ये क्या क्या इंपोर्ट कराने में लगा हुआ है। मैं जगह पर पहुंच गया, देखो यहाँ पर मैं वॉच को यूज करके जाऊंगा, क्योंकि अभी देखो मारना किसी को नहीं है, सिर्फ यहाँ पे चेक करने आए, वेरीफाई करने आए लेस्टर की इन्फॉर्मेशन, और मुझे लगता है लेस्टर ने सही बोला है। सामने शिप देख रहे हो, काफी बंदे भी दिखाई दे रहे हैं मुझे वहां पर, आप ऊपर की तरफ देखो, फिलहाल जब मैं पास जाऊंगा तो आपको दिखना शुरू हो जाएंगे, तो फिलहाल आप देख रहे होंगे ऊपर बंदे खड़े हैं और ट्रक्स सही में बहुत सारे। लेसर की इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही है भाई, देख रहे हो ये ट्रक्स काफ़ी खड़े हुए हैं, कुछ तो इनमें ज़रूर होगा। यहाँ पे मिलिट्री के ट्रक्स भी है, बाकी बंदों के अलग कुछ मिलिट्री कार्स भी है, बुलेट प्रूफ कार्स है, इतने सारे ट्रक्स यहाँ पर खड़े हैं और बंदे भी काफ़ी सारे हैं। तो गॉडफादर ब्रो करना क्या चाहते हो, इन ट्रक्स में क्या माल लेकर के आ रहे हो? वो तो बाद में पता कर लेंगे, फिलहाल लोग को रखे होंगे भाई, और इनको तोड़ने के लिए मतलब खोलने के लिए मेरे को गोलियाँ चलानी पड़ेगी, तो मैं वो अभी नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे को अभी किसी बंदे को मारना नहीं है, सिर्फ चेक करना है। यहाँ पे तो बंदे काफ़ी सारे हैं, बहुत बढ़िया गॉडफादर भाई, करते रहो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ड्राइवर तुम्हारा नेता बनाएगा ही। तो फिलहाल चलिए भाई मैं बोलता हूँ लेसर को, अभी सारे बंदों को देखने कोई फायदा नहीं है, मैं ये बोलूँगा कि तू बस नज़र रख इस बेस पे, नज़र रख, अगर कुछ यहाँ पे हरकत करेंगे बंदे तो तू मेरे को बता देना, जब भी मतलब कुछ भी उल्टा सीधा एक्टिविटी यहाँ पे हो रही है बस इन्फॉर्म कर देना, मैं यहाँ पे पहुँच जाऊँगा। तो मैं यही बोलता हूँ लेसर को इनके ऊपर नज़र रखने के लिए, वैसे भी लेसर ने नज़र रख के मेरे को सारी इन्फॉर्मेशन दी थी। एक पे एक मुसीबत आई जा रही है, लेसर से बातें हो चुकी है, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि अब की बार ये हो जाएगा, इस टैरी को भी अभी करना था सारा काम। आपको पता है जब निक्की से शादी होने वाली होती है मेरी, तो टैरी अपना असली रंग रूप दिखाता है, तो शायद से उसको पता चलेगा कि टैरी अब मतलब कि ट्रेवर अभी निक्की से शादी करने वाला है। बट यार तब सिचुएशन अलग थी, तब कुछ ज़्यादा बड़ी बात थी, आज तक टैरी कभी निक्की से मिला भी नहीं है, तो अभी फिर उसको उसको मतलब उसने उसको कैसे पसंद कर लिया, पॉइंट ये वाली बात है। तो टैरी धोखा दे रहा है मुझे अभी भी भाई, सिचुएशन ये चेंज नहीं हुई है, बट निक्की का और उसका चक्कर मेरे को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि निक्की से तो मैं भी अभी मिला हूँ, वो भी अभी मिला है, सीधी सी बात है, तो कुछ ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं है। तो बट उसने करा है उल्टा काम, बूम भाई कुछ FIB वाले बंदों से मिल करके आ रहा है, और लेस्टर ये बोल रहा है कि ट्रेवर मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है टैरी के साथ में, हमारा बंदा होकर के वो FIB वाले बंदों से क्यों मिल रहा है। मैं जगह पर पहुंच गया हूँ, वॉच को यूज़ कर लेता हूँ, आप सामने देख रहे हो FIB की ये प्लेस होती है, यहीं पे वेयर हाउस होता है, और कुछ टाइम पहले यहीं पर कुछ FIB वाले बंदे मरे थे, क्योंकि ये FIB वाले बंदे यहाँ पर रहते हैं, इनके एक सीक्रेट वेयर हाउस आप बोल सकते हो, यहाँ पर इनकी गाड़ियाँ खड़ी रहती है, बाकी कुछ और काम यहाँ पे करते हैं, ये इलीगल काम आप जैसे बोल सकते हो, मतलब कि गवर्नमेंट की नज़र से दूर, वैसे तो गवर्नमेंट ने इस जगह को देख के मिलिट्री को ऑफिशियली रखा है, मतलब कि FIB को, बट FIB वाले यहाँ पे थोड़ा इलीगल काम भी करते हैं, जैसे कि बंदों को टॉर्चर करते हैं बहुत बुरी तरीके से, ये बात अपने गवर्नमेंट को नहीं पता, अगर पता चल गया तो सभी बंदे सस्पेंड हो जाएंगे। मैं दिखाता हूँ यहाँ पे कैसे उल्टा सीधा काम करते रहते हैं अपने FIB वाले बंदे आज की डेट में, आगे चल के तो भाई बेस किसी और पे चले जाएगा, फिलहाल भी FIB वाले बंदों पे। ओहो यहाँ पे मिसाइल भी रखी है, वेपन्स भी। अबे ये लीगल है इलीगल काम कर रहे हो यहाँ पर इस चीज़ का भी? लगता है गवर्नमेंट में कंप्लेंट करनी पड़ेगी। तो चलो इनको छोड़ो, देख रहे हो टेरी मेरे भाई तू ये FIB में क्या कर रहा है बिना मेरी परमिशन के, क्योंकि ज़्यादातर ये सारी की सारी बातें मुझसे शेयर करके जाता है हर जगह जहाँ पर भी जाता है, मतलब 99% मुझको बोल के जाता है, और आज पुलिस वालों से मिलने के लिए आ गया बिना मेरे पूछे, कुछ तो गड़बड़ है ना। बात तो इसकी देखते हैं भाई क्या कर रहा है यहाँ पे, और मैं आपको दिखाता हूँ, देखो बंदे टॉर्चर करते रहते हैं यहाँ पे सभी को, ये देखो इसको पीट रहे हैं यहाँ पे, और कितना खून निकाल के रखा है बेचारे का, जब तक ये सच नहीं बोलेगा, कुछ जो ये चाहते हैं वो नहीं बोलेगा, जब तक इसकी पिटाई होती रहेगी। तो ये इलीगल काम भी करते हैं FIB वाले बंदे, इनका तो नेता बनाया था बेचारे का, बट वो बंदे ईमानदार थे जो मरे थे बॉम्ब से। फिलहाल टैरी क्या बातें कर रहा है, मैंने थोड़ी देर खड़े होकर टैरी की बातें सुन ली, कोई ज़्यादा ऐसी भयंकर बातें तो भाई नहीं चल रही अभी,
तो फिलहाल देखते हैं, जब तक काम चलेगा चला लेंगे, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। फिलहाल बस मैं इसके ऊपर नजर रखने के लिए बोल देता हूँ अपने लेस्टर को कि लेस्टर ब्रो चेक कर, आखिरी बंदा मेरे को मारने की प्लानिंग कर रहा है, कुछ और कर रहा है। अभी देखो कंफर्म नहीं है भाई कुछ भी, तो जब तक कंफर्म नहीं होगा मैं इसके ऊपर अटैक नहीं करूंगा। एक बार प्रूफ आ जाने तो मेरे पास, फिर उसको सीधा कर देंगे। अब मेरे को जल्दी से आइलैंड पर निकलना पड़ेगा क्योंकि अब हो गई है गड़बड़ बहुत ज्यादा बड़ी। बिग माफिया चैन से नहीं बैठ रहा, आपको पता है बिग माफिया पागल होकर रखा था। कल भी अपने बंदों को बोल रहा था सिर्फ लूसीफर को ढूंढो जान से मार दो, और फाइनली उन्होंने कर दिखाया, उन्होंने लूसीफर को ढूंढ लिया भाई। अब तो बहुत बुरा काम हो जाएगा, वो इसलिए हो जाएगा क्योंकि वो मार देगा और मेरी सारी प्लानिंग खराब हो जाएगी। और उसके पास तो मैंने बेबी को भी देकर रखा हुआ है, बेबी को भी ना मार दे। अभी जैसा भी मेरे को पहुंचना पड़ेगा, फटाफट से लूसीफर को बचाना पड़ेगा क्योंकि अभी तक मेरे को उसकी प्लानिंग पता नहीं चल पाई। ये बिग माफिया मेरे बने बनाए प्लान को बेकार करने के लिए पहुंच गया यार फ्री में, इसको शर्म नहीं आती। चलिए जल्दी से पहुंचता हूँ भाई, मैं पहुंच चुका आइलैंड पर। चल चल ट्रेवल ब्रो, फटाफट से लैंड कर। बहुत बड़े भाई लैंडिंग काफी अच्छी हो गई है। उतरो 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 भाई, काफी बंदे खड़े हो आप देख ही रहोगे। बिग माफिया कितने सारे हेलीकॉप्टर्स को लेकर आया, सामने इसके बंदे खड़े हुए हैं, बट बाकी यहाँ पे बोर्ड ही नहीं है। यहाँ पे भाई कुछ गोलियां नहीं चल रही। बिग माफिया ब्रो एक मिनट रुक जा, देख ऐसा काम मत कर, उल्टा काम मत कर। ओके भाई बिग माफिया खा लड़ा है। बिग माफिया ब्रो सर सॉरी यार, देखो मेरी बात तो सुनो, आप यहाँ पे क्या करने के आए हो इस आइलैंड पे? ये तो खाली पड़ा हुआ है, आपने किसी को क्या करने के आए हो? मैं यहाँ पे लूसीफर को मारने के लिए आया था, मेरे को खबर मिली थी लूसीफर यहाँ पर था, फिलहाल वो यहाँ पर नहीं है। ये कहीं झूठी खबर थी, सही थी मैं कंफर्म नहीं कह सकता, बट जब हम यहाँ पर आए यहाँ पे कोई भी नहीं है। फिलहाल पूरा का पूरा आइलैंड खाली पड़ा हुआ है ट्रेवर, काश मुझे वो मिल जाए, मैं उसको खत्म करके अपने भाई का पता ले लूंगा, पर पता नहीं कहाँ पर छुप के बैठा हुआ है वो भाई। ये तो बड़ी अजीब बात मुझे भी लग रही है। बिग माफिया की आपने बातें सुनी ली है, लूसीफर यहाँ पे है ही नहीं भाई सच्ची में। मान तो चलो बिग माफिया उसको मारने के लिए आया ठीक है, बट यार यहाँ पे वो है क्यों नहीं? यहाँ पे वो होना चाहिए था। अगर वो यहाँ से चला गया, क्यों चला गया इसने? इसका मतलब जगह बदल दी है। तो चलो मेरे को फिर दोबारा फोन करके बताएगा कि ट्रेवर अब यहाँ पर आ जाओ, अब नहीं आना। तो इसका मतलब ना लूसीफर को पता चल गया होगा कि बिग माफिया मुझे जान से मारने के लिए आने वाला है, तो पतली गली से निकल गया अपने सही बंदों के साथ में और बेबी को भी ले गया होगा बेचारे को। सारा काम ही खराब हो गया। मैं शहर में वापस आ चुका हूँ, तो भाई फिलहाल शहर में वापस आते ही मेरे पास पता किसका फोन आता है, कुछ पुलिस वाले बंदों का, और बोलते ट्रेवर भाई आप अपने घर पर आइए, बहुत अजीब काम चल रहा है यहाँ पे। वो तो हमें इन्फॉर्मेशन मिल गई थी कुछ बंदों की, ये बंदे कौन है आप पहचान सकते हो क्या? चलिए मैं घर पर बताता हूँ और फिर बताता हूँ क्या बात हो गई है, मतलब घर पे जाके बताता हूँ। क्योंकि फोन में जो उन्होंने बात बोली मेरे को बड़ी अजीब लगी। मैं पहुंच गया अपने घर पर, आप जैसे कि देख ही रहे होंगे, फिलहाल सामने बहुत बड़ा बॉम्ब रखा हुआ है। ये बॉम्ब ना अभी बाहर है, थोड़ी देर बाद अगर मतलब पुलिस टाइम पर नहीं आती ना तो ये बॉम्ब आप लोगों को बाहर की तरफ मिलता, ये घर में मिलता, जिससे सारे गार्ड्स मरते और रोकी टोकी सीधी सी बात है, कोई आयरन मैन तो है नहीं, वो भी जलकर मर जाते। फिलहाल ये मेरे घर में बॉम्ब लगाने के लिए भेजा था इस बंदे को, और एक दो बंदे और थे जो तो भाग गए जल्दी जल्दी पुलिस को देख करके, क्योंकि एक बंदा इसको नहीं उठा सकता, दो तीन बंदे थे टोटल। बट मेरे घर को उड़ाने का प्लान था भाई, अब ये किसने करवाया ये तो यही बताया, क्योंकि अभी बता नहीं रहा। पुलिस वाले ने मेरे को बुलाया, टाइम पर पहुंच गए, बहुत बहुत थैंक यू भाइयों, अमेजिंग काम किया पुलिस वालों इस बार तुमने सच्ची में। पता नहीं इनको कहीं से खबर मिली होगी, बट ये टाइम पर पहुंचे और मेरा घर बच गया। मेन पॉइंट घर की नहीं है, घर में लग जाए यार कोई दिक्कत नहीं है, रोकी डोगी मेन है आपको पता ही है, घर तो दोबारा बना लेंगे, पैसा बहुत है। मेरे प्यारे भाई तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में बॉम्ब लगाने के लिए? किसने बोला बस मेरे को नाम बता, तेरे को जिंदा छोड़ दूंगा, अगर नाम नहीं बताया ना तो तू मरेगा, जल्दी बोल। प्यार भाई मुझे नहीं पता, सो सॉरी, देखो मेरे को मजबूर किया गया था, मेरे को जान से मारने की धमकी दी थी कि अगर नहीं करता तो मेरे को जान से मार देता दूसरा बंदा, मेरे को नहीं पता कौन था वो बंदा। फिलहाल कोई ब्लैक कलर का मास्क था उसके मुंह पर, और बस वो बंदा मेरे पास आता है, मेरे को पैसे देता है और जान से मारने की धमकी दी है और बॉम्ब दिया और चला गया, और बस फिर मैं कुछ बंदों के साथ यहाँ पर आ गया, बस मैं इतने जानता हूँ ट्रेवर भाई, मुझे नहीं पता। बंदा बोल रहा है इसको कुछ नहीं पता, ऑफिसर्स अभी मार देने जल्दी जल्दी में, कुछ ना कुछ तो क्या पता जानता हूँ, फोन इसका बात कर ले वगैरह वगैरह। ऑफिसर्स एक काम करो, उसको जेल में लेकर के जाओ, बाकी काम अपना ट्रेवर देख लेगा। तो फिलहाल भाई कोई और भी बंदा है गॉडफादर के अलावा जो मेरे घर में बॉम्ब लगाना चाहता है? कभी वो अपना क्या नाम है उसका, विक्टर नाम का नमूना तो नहीं है वो, बार बार जो अटैक करता है लाल गाड़ी भेज करके, वो भी हो सकता है? ऑफिसर्स ठीक है मैं देखता हूँ इस केस को। भाई आज बंदा घर के बाहर पकड़ा गया, कल भरोसा नहीं है पकड़ा जाएगा, घर में अंदर बॉम्ब रख के आ गया तो मेरा तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। लगता है रोकी डोगी को फिलहाल इमरजेंसी के लिए थोड़ा टाइम के लिए यहाँ से हटा लेना चाहिए, घर से कहीं और पे शिफ्ट करा देना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि वो दोनों बेचारे घर पर घूमते हैं, उनको नहीं पता कि ट्रेवर के साथ इतना बुरा हादसे होते रहते हैं, उनको ना आज तक मतलब उन्होंने देखा नहीं है गोली चलते हुए, बहुत कम देखा है। रोकी मैंने भाई पिछली बार उसने भी कम देखे मर्डर, जब मैं डोगी को ढूंढने में लग रहा था और मैंने सोचा डोगी किडनैप हो गया है, डोगी किडनैप हुआ नहीं था तो गाड़ी में बंद था बस। मैंने लेसर को सारी की सारी बात बोल दी है भाई, वो बोल रहा है कि ठीक है मैं कोई अच्छी सेफ जगह देखता हूँ डोगी रोकी के लिए, फिलहाल घर पर ही रहने दे, जब सेफ जगह मिल जाएगी मैं उनको शिफ्ट करवा दूंगा। तो फिलहाल उसने ये बोला और एक बात और बोली, चलिए जल्दी से मैं पहुंच गया जगह पर, तो फिलहाल अभी मेरे को निकलना है FIB बिल्डिंग पर। पता है क्यों? क्योंकि वहाँ पे कुछ जोकर्स ना आराम से रह रहे हैं मजे से ऊपर की तरफ,
फ्लोर पर आकर के सबसे ऊपर के टॉप फ्लोर पे, क्योंकि वो बंदे डर रहे हैं किसी से, वो मुझसे डर रहे हैं, क्योंकि लेस्टर के हिसाब से देखो उस बंदे ने कुछ नहीं बोला जो मेरे घर पे बम रख करके आया था, पर लेस्टर मेरे को बोल रहा है कि ट्रेवर मैंने पता लगाया इस बंदे ने शायद से झूठ बोला है, उसको मैंने कुछ जोकर वाले बंदों के साथ में देखा था थोड़ी देर पहले और बम भी उसके साथ में था, तो क्या पता सारा काम जोकर वाले बंदों ने करवाया हो, क्योंकि तुम सुबह गए थे जोकर वाले बंदों के पास उनको धमकी देने के लिए, तो क्या पता जोकर वाले सच में गॉडफादर के साथ मिलकर के काम कर रहे हो और तुम्हें झूठ बोला हो, और फिर उन बंदों ने सोचा कि ट्रेवर तो हमें परेशान कर देगा, इससे अच्छा क्या है ट्रेवर घर पे बम लगा दो, मेरे को जन से मारने का प्लान करा उन्होंने, तो इसका मतलब टाइमर रात का लगाता है बम में ताकि रात को ट्रेवर घर पे जाता और सो के मर जाता, बट वो हो नहीं पाया, बम पकड़ा गया और ये भी पता चल गया बम भेजने वाले कौन थे, लेस्टर के हिसाब से तो जोकर वाले बंदे हैं, तो चलिए फिर इनका नेता बनाता हूं ऊपर जा करके और छुप के रखे FIB बिल्डिंग में, इसका मतलब कोई FIB का बंदा भी इनको साथ में है जो इनको सपोर्ट कर रहा है, करप्ट बंदा, चलिए वो उसको भी ढूंढेंगे उसको भी मारेंगे। मैं ऊपर की तरफ पहुंच चुका हूं और मैंने भाई अपनी गन ले लिया हाथ में, कई बंदे ऊपर अटैक करने लग जाए मेरे तो उल्टा सीधा काम भी हो सकता है। हेलो भाई, भाई लगता है कोई बंदा सच में आ रहा है, मेरा आईडी ठीक तो नहीं है। हेलो भाई कोई है क्या? देख भाई गोली मत चलाना भी, मैं सिर्फ बात करने के लिए आया हूं, मैं सिर्फ बात करने के लिए आया हूं। अरे भाई ये बंदे तो पहले से अलर्ट खड़े हैं, इसका मतलब इन्होंने कैमरा से मेरे को देख लिया होगा कि ड्राइवर ऊपर आ रहा है सीढ़ी चढ़ते चढ़ते। मैंने आज वॉच यूज नहीं करी ना, मैंने सोचा ऐसे आ जाता हूँ तो बंदे मेरे को जान से मारना चाहते हैं। तेरा नेता तो मैं भी बना दूंगा, मतलब कोई हद भी है, अबे अगर चुपचाप मेरी बात सुन लेते समझ लेते तो सारा काम बड़े सिंपल तरीके से हो जाता, बट तुम लोगों को मरना है। इससे बात कन्फर्म हो चुकी है, सारे के सारे बंदे भाई इन्होंने मेरे घर पर बॉम्ब रखवाया मेरे को जान से मारने के लिए। अबे तुम लोगों को शर्म नहीं आती क्या? ड्राइवर को मारोगे? यार सच्ची में कैसे कैसे बंदे होते हैं भाई, अमेजिंग लेवल है। ड्राइवर का बिल्कुल डर ही नहीं है इन बंदों का, इतनी बड़े माफिया माफिया बन चुके हैं, पुलिस वाले बंदे इतनी इज्जत करते हैं, मिलिट्री वाले बंदे भी हमसे काफ़ी डरते हैं, और ये बंदे इनको पता नहीं कौन सा एटीट्यूड है या कौन सी इनका पावर इनके पीछे जो इनका ना डर ही नहीं लगता बिल्कुल भी। गॉडफादर को भी पता चल जाएगा, मैंने बोल के रखा है कि गॉडफादर के ऊपर नजर रखो, ऐसे लगा कोई बंदा भागा यहाँ से शायद से, नहीं वो लगता है मेरी आंखों का धोखा था, वो एक बंदा बंदा नहीं था। चलिए नीचे निकलता हूँ और वेट करते हैं, सिर्फ अभी फाइनल काम ये है गॉडफादर को दोबारा से पकड़ना है। गॉडफादर नमूना मिल गया है भाई, मैंने बोला था लेस्टर इसके पीछे लगा हुआ है काम करने में, मतलब कि पूरे के पूरे कैमरे से इसको ट्रैक करने में लगा हुआ है और फाइनली ट्रैक होके रखा हुआ है। मैंने बोला था आपकी बार जाने नहीं दूंगा बिल्कुल भी, तो आपकी बार ना अटैक नहीं करते, गाड़ी से चेंज कर लिए, नहीं तो लास्ट टाइम मैंने इस गाड़ी को बिल्कुल खत्म कर दिया था, बट अब की बार अटैक नहीं करेंगे, देखता हूँ ये कहाँ पे जा रहा है, हम भी तो देखें, क्योंकि आपको पता है मेरे माइकल और फ्रैंकलिन दोनों भाई खतरे में हैं, वो मुझे लगता है भाई इसका ही कारनामा है सारा का सारा, फिलहाल कोई और कर ही नहीं सकता, स्टार्टिंग में पता चल गया था कुछ उल्टा सीधा काम कर रहा है तो इसी ने किया है, कन्फर्म हो चुका है। पहले मेरे को थोड़ा शक भी था कभी किसी और ने कर दिया हो, अब तो कन्फर्म हो चुका है, तो देखते हैं भाई कहाँ जा रहा है, क्या बताए मेरे मेरे को दोस्तों के पास लेकर के चला जाए, ऐसा हो जाए तो इसको धीरे धीरे से फॉलो करते हैं, फिर गायब होकर के बेस के अंदर घुसेंगे और देखेंगे कि क्या चलने में लगा हुआ है। मैं इसको फॉलो करता करता उस ही टनल में पहुंच चुका हूँ, आपको याद है ये वही टनल है जहाँ पर मुझे मिला था जनरल, फिर मेरे को बाद में पता चला वो जनरल है ही नहीं, उसके अंदर गॉडफादर घुस के बैठा हुआ है उस बॉडी के अंदर, तो अपने वाले बेस पर दोबारा से आ गया। आपको बताइए ये वाला बेस फिलहाल आज की डेट में बना के गॉडफादर ने रखा हुआ है, बट फिर मैंने यहाँ पे आना बंद कर दिया था क्योंकि मैंने सोचा वो बंदा भाग गया या फिर मैंने मार दिया, बट ये बंदा अभी तक यहीं पर रहता है, तो मेरी गलती है, मेरे को यहाँ पे दोबारा से तो वापस आना चाहिए था, बट कोई बात नहीं तब नहीं आए तो अब आ गए, आराम आराम से जा रहा हूँ भाई मैं। देखो फिलहाल अभी मैं गाड़ी थोड़ी दूर खड़ी कर दूंगा जब मेरे को बंदे दिखना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि भाई बंदे यहाँ पे कितने भी हो सकते हैं और गड़बड़ हो सकती है, इसलिए आराम आराम से चल ड्राइवर और चल चल के देख कुछ तो गड़बड़ लग रही है। मैं अंदर पहुंच ही गया भाई पूरा पूरा लगभग, यार बड़ा खाली खाली सा बेस लग रहा है आज आज, मतलब यहाँ पे बंदे हैं ही नहीं, तो यहाँ पे पहले गार्ड्स मिल जाया करते थे, कोई भी नहीं है जैसे कि आप देख ही रहे होंगे, पूरा पूरा बेरियर मतलब पूरा पूरा बेस खाली पड़ा हुआ है। गॉडफादर ने कहीं मेरे को बेवकूफ तो नहीं बनाया ना, मैंने साफ साफ उसको बंदे को यहीं पे घुसता हुआ देखा है, बट फिलहाल बंदा यहाँ पर है ही नहीं। हेलो भाई कोई है क्या? बाहर की तरफ आ जाइए, एक सेकंड भाई सामने कोई तो है, चेयर है और चेयर पे दो बंदे बैठे हुए हैं, फिलहाल कौन है? अरे भाई ये मेरे दोस्त है माइकल और फ्रैंकलिन, अबे नमूनो तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पर? भाई चलो मिल गए, मैंने सोच नहीं था मिल जाएंगे, टेंशन मतलब मैं तो अभी खोलता हूँ, एक सेकंड भाई इनकी चेयर्स के नीचे बॉम्ब, अब ये तो थोड़ी गड़बड़ वाली बात हो गई ना। अबे माइकल ये दिक्कत तो नहीं देगा ना तू? बता मुझे, देख अगर दिक्कत देगा तो देख फिर गड़बड़ हो जाएगी, अगर तुम लोग बोलोगे नकली बॉम्ब है तो इसको मैं फिर तुम्हें चेयर से हटा दूंगा, अब जल्दी बोल, अगर छूते ही फटेगा तो मैं फिर कुछ सोचता हूँ। भाई ये सब कुछ एक सेटअप था, वैसे बंदे ने खेल खेल दिया, तो जानबूझ के वो मेरे को ये चाह ही रहा था कि मैं फॉलो करता रहूँ, ये सब कुछ गॉडफादर का प्लान था भाई, उसने जानबूझ के अपनी लोकेशन लीक करी कि मैं मिलूंगा वहाँ पे जा करके, इसका मतलब ये प्लान गॉडफादर का स्टार्टिंग से चल के रखा हुआ है। जब मैं डेविल के पास गया था, डेविल भागा था, तो डेविल जानबूझ के वहाँ पे मुझे मिला था, फिर मैं डेविल का फ़ोन चेक करा, वो मेल जानबूझ के भेजा गया था कि मतलब उस मेल में ये लिखा हुआ था कि उसकी मीटिंग होने वाली है, वो सब कुछ एक प्लान था भाई, बस मतलब मजबूर किया गया सिचुएशन बना करके मुझे
कि मैं उसको पकड़ के लाऊं, फिर उसका फोन चेक करूं, क्योंकि उसने कुछ नहीं बोला था। सीधी सी बात है, मैं फोन ही चेक करूंगा, ये गॉडफादर को पता है। और उसमें मेल में मैंने पढ़ा, तो मैं फिर इसको फॉलो करने के लिए भागा। फिर मैंने इसको फॉलो करा, दोबारा फॉलो करा, तो मैं यहाँ पर आ गया और फंस गया आकर के, क्योंकि आप देख ही रहे हो मेरे दोस्तों को ऑलरेडी इन्होंने बांध के यहाँ पर रखा ही है। और फिलहाल अभी गॉडफादर नमूना यहाँ पर पीछे पहुंच गया और मेरे को बोल रहा है कि ट्रेवर चालाकी बिल्कुल नहीं, अगर चालाकी करी तेरे दोस्तों के नीचे जो चेयर के नीचे बॉम्ब रखा है ना वो फट जाएगा, ये दोनों तो मरे गई, तू भी मर जाएगा, और मेरे को कोई डर है ही नहीं, ये इसने बोला है। तो फिलहाल मुझे लगता है ये असली गॉडफादर है नहीं, क्योंकि गॉडफादर मरने से बहुत डरता है, और ये मारने मारने वाली बात कर रहा है, तो इसका मतलब ये है ही नहीं। अरे मेरे गॉडफादर आप तो नाराज़ हो गए यार, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं कुछ नहीं कर रहा। अच्छा बताइए करना क्या है, कोई टेंशन नहीं है भाई, फिलहाल अभी मैं थोड़ा फंस गया। बंदे ने प्लान काफ़ी अच्छा बनाया, तभी बोलूँ यार ये बंदा रुक क्यों नहीं रहा था, मैंने इतनी गोली मारी, उसके टायर वगैरह फोड़ दिए, मेरे ऊपर से गाड़ी निकाल के लेकर के चला गया। तो ये था इसका प्लान, अगर ये पकड़ा जाता तो मैं यहाँ तक आता ही नहीं, तो ये भागने वाला ही इसका सिस्टम था। अच्छा ये भाग गया, बट मेरे लिए तो नुकसान हो गया ना, अगर मैं उसको तब पकड़ लेता, चलो वैसे देखा जाए तो मेरे लिए भी फायदा ही है, मेरे को मेरे दोस्त तो मिल गए, बट नुकसान ये हो गया ना, मैं फंस गया बिना बैकअप के आया आज पहली बार। अगर मैं यहाँ पर अपनी फेक बॉडी भेजता तो काफ़ी अच्छा हो जाता, बट अब हम तीनों ही किडनैप हो गए एक तरीके से देखा जाए, माइकल फ्रैंकलिन पहले से किडनैप थे और अब ट्रेवर भी हो गया। ओके भाई ठीक है, बोलो तो सही अब करना क्या है। फिलहाल भाई गॉडफादर नमूने ने मेरे को बोला ड्राइवर जा करके चेयर पे बैठो, और फिर चेयर पे मेरे को नमूना ने बांध दिया। फिलहाल टेंशन मत लो मेरे भाई, हो टेंशन मत लो, सब कुछ सही हो जाएगा। तो गॉडफादर बेटे चाहता क्या है, बस हमें यहाँ पे किडनैप करके करना क्या चाह रहा है, ये कहीं बॉम्ब लगा के मारना दे तीनों को। ड्राइवर ब्रो वैसे यार तू थोड़ा बेवकूफ है, तूने जल्दी में चीज चेक नहीं करी, ये तेरे दोनों भाई कुछ बोले नहीं अभी तक तुझसे, पता क्यों नहीं बोले, क्योंकि ये दोनों ना होलोग्राम है ब्रो, ये कोई असली नहीं है, ये कोई असली बॉम्ब नहीं है, तेरा बेवकूफ बनाया मैंने और तू बन गया। कम से कम पता तो कर लेता, इनको छू के चेक तो कर लेता, इनसे बात तो कर लेता, ये एक नकली होलोग्राम है मेरे भाई, बट तू असली में फंस गया इनके चक्कर में, अब तेरा क्या होगा कालिया। बट टेंशन मत ले, मेरे पास ही है तेरे दोनों दोस्त, बट यहाँ पर नहीं है, वो अलग जगह पर है। बड़ा लंबा खेल खेल गया भाई, ये दोनों होलोग्राम है, तभी बोलू माइकल ने अब तक और फ्रैंकलिन ने कुछ क्यों नहीं बोला, मैंने इनसे पूछा था कि बॉम्ब असली है नकली, इन्होंने कुछ बोला ही नहीं, मेरे को फंसा दिया, ये नकली है दोनों के दोनों, तेरे को मैं छोड़ूंगा नहीं बेटे गॉडफादर, तेरे को मैं छोड़ूंगा नहीं, सही बता रहा हूँ मैं। गॉडफादर तो भाई यहाँ से चला गया, देखते हैं भाई अभी कैसा होगा। तो फिलहाल तो हम तीनों ही किडनैप होकर रखे हैं, मान तो फ्रैंकलिन और माइकल यहाँ पर नहीं है, बट वो भी किसी जगह पर है जहाँ पर उनको बांध के रखा हुआ है, यहाँ पर ये असली नहीं है बट कहीं पर तो बांध के रखे है बेचारे। यहाँ से वो भाग गया, चला गया कुछ काम करने के लिए, पता नहीं कहाँ पर गया, फिलहाल इन बंदों को छोड़ गया। तो देखते हैं भाई मेरे हाथ ढीले से हो जाने दो, फिर मैं इनका नेता बनाऊंगा गायब होकर के, बस मेरे को एक दो मिनट लग जाने दो। मतलब आपको बताइए ट्रेवर रस्सी खोलने बहुत ही कमाल का बंदा है, रस्सी खोल लेता है, वेट करते हैं जब रस्सी खुलेगी तब इनका नेता बनाऊंगा। तो बस मेरे भाई ये फिलहाल इस वीडियो को तैयार होते, ये वीडियो कैसे लेकर आप चैनल पर नहीं तो मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके फैमिली का मेंबर बन जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो के लिए सीते हैं, जब तक के लिए बाय।